हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसी टेक। सो फ्रेंड्स, आज इन दिस वीडियो टिटल में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो नए हैं और जिनको एलमर्स के बारे में जानकारी नहीं, उसके लिए ये वीडियो बनाया जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट मेलमर्स। सो इसको स्टेप बाय स्टेप देखूंगा, तब तक मेरा ये वीडियो शुरू से कंटिन्यू देखें। सो फ्रेंड, ये एक लेटर बनाया जो इन्विटेशन बर्थडे इन्विटेशन का पार्टी का, ये लेटर पहले आपको टाइप करना होगा, उसके बाद आपको मेलिंग में जाना होगा। नेक्स्ट आप स्टार्ट मेल मार्स में क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको मेल लिस्ट जिसको आप भेजना चाहते हैं वही वाला फ्रेंड कॉलेज का लिस्ट एक बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मार्स, देन यहाँ पे मेल मार्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है जो आप लेटर मेल मैसेज, और उसके बाद लेटर को क्लिक करके नेक्स्ट, फिर से आप यहाँ पे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट, आप न्यू लिस्ट बना के भी इसको भेज सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक लिस्ट बना के सेव करके रखा है तो वही लिस्ट को आप ब्राउज करके उसको यहाँ पे ऐड करके सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा है ये वही फाइल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा, देन बाकी स्टेप को आपको पूरा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने टाइप पे न्यू लिस्ट में क्लिक किया, तो टाइप न्यू क्लिक करने से आपको क्रिएट में क्लिक करना है, उसके बाद आप न्यू लिस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो टेबल टेबल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कस्टमाइज कॉलम जो फील्ड नेम यहाँ पे होता है, तो वही फील्ड नेम को आपको अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट करके इसको रीनेम करना पड़ेगा। तो पहले जैसे एड्रेस लाइन टू को नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अभी लास्ट का कंट्री और रीजन्स नहीं चाहिए, तो जिन फील्ड को नहीं चाहिए आपको वही फील्ड को आपको डिलीट करना पड़ेगा, अगर जिनको चाहिए वही फील्ड को आप सेलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे या फास्ट लास्ट नेम को नहीं, तो यहाँ पे नहीं चाहिए इसको, तो इसको डिलीट कर दिया, फिर से यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फास्ट नेम है उसको रीनेम करेंगे, तो रीनेम करने के लिए जैसे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, करने के बाद इसके बाद क्लिक ओके करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको क्लिक ओके, तो ऐसा करके आप फील्ड नेम को सिलेक्ट करके उसका रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट का जैसे ये डिलीट कर देंगे, उसके बाद क्लिक यस, अभी फील्ड नेम यहाँ पे ये वाला रह गया, जीप कोड स्टेट एड्रेस लाइन एंड कंपनी नेम एंड नेम। तो अभी इसके बाद क्लिक ओके, अभी देखा ये टाइप रिसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन टेबल ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा जो आप लिस्ट चाहिए वही लिस्ट का यहाँ पे डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ को आपको भेजना है वही फ्रेंड कॉलेज का नेम कंपनी एड्रेस यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले बाकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अभी यहाँ रिसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन एंट्री हो गया, मतलब यहाँ पे 3 रिसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन एंटर किया, तो उसके बाद क्लिक ओके। अभी ये जो लिस्ट बनाया है वही लिस्ट को सेव करके रखना पड़ेगा, सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव करके रखूँगा, तो इसके लिए डेस्कटॉप में क्लिक किया, उसके बाद उसका एक फाइल नेम दे दिया फ्रेंड लिस्ट। तो मतलब आपको अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट सेव करेंगे तो आप कौन से जगह में सेव होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको आपका जो नेसेसरी फोल्डर और डेस्कटॉप वहीं पे आपको सेव करना होगा। सबसे यहाँ पे सेव कर दिया, उसके बाद क्लिक ओके।
देन ये जो रिसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन डाटा सोर्स यहाँ पे रिफ्रेश एडिट भी कर सकते हैं, एडिट में क्लिक करके आप दूसरा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट आप फाइंड भी कर सकते हैं, देन क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रीड राइट योर लेटर यहाँ पे क्लिक करना होगा। अभी लास्ट राइट योर लेटर जो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है, एड्रेस ब्लॉक में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिसिपिएंट नेम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट करके रख दिया, रिसिपिएंट नेम का फॉर्मेट जो पहले नेम, उसके बाद बाकी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे मैथ फील्ड है, मैथ फील्ड में क्लिक करके मैथ फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट आ गया है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे डिस्प्ले एड्रेस ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट जो कंप्लीट द मार्क्स यहाँ पे क्लिक करना है, तब आप यहाँ पे जो लिस्ट बनाया था वही लिस्ट का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे रिसिपिएंट जो प्रीव्यू योर लेटर में दिखा देता है, यहाँ पे आप नेक्स्ट कनेक्ट करके कोई भी रिसिपिएंट को यहाँ पे ये जो मैसेज और इन्विटेशन बनाए इन्विटेशन मेल में सेंड कर सकते हैं, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और अपना डेस्कटॉप और फाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आपका फ्रेंड लिस्ट का एंट्री ज़्यादा होगा तो यहाँ से आप शॉर्टकट फाइंड कर सकते करके उसको सेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे ये इसको फाइंड कर दिया तो ऑटो शॉर्टकट ये फाइंड हो गया, तो यहाँ से आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं जैसे पहले आपको दिखाया, तो लास्ट में जाके भी आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एडिट करके इसको सेट कर देंगे। सो एक डाटा रोज बिंग एडिटिंग यहाँ पे नवीन कुमार ये एडिट कर दिया। उसके बाद कंपनी एड्रेस बाकी जितना फील्ड है इसको पूरा कर देंगे, सिटी देन जिप कोड। उसके बाद इसको सेव करेंगे, क्लिक ओके, क्लिक यस, सेव हो गया। देन फिर से आपको क्लिक ओके करना है। अभी लास्ट रिसिपिएंट सेलेक्ट करके वही रिसिपिएंट का यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे। तो यहाँ पे देखा ये लास्ट जो एडिट किया था वही वाला नेम लिस्ट जो है वो लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। तो इसी तरह से आप कोई भी लिस्ट का यहाँ पे एंटर और एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट दूसरा लिस्ट मतलब डिफरेंस नेम का आदमी का ये लिस्ट जो इनविटेशन बर्थडे है वो बर्थडे सेव कर भी सकते हैं और इसको सेंड भी कर सकते हैं। अभी ये डिस्प्ले यहाँ से आप सिंगल पेज में डिफरेंस लिस्ट को आप यहाँ से कॉलेज फ्रेंड सबको मैसेज और इनविटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे सबका एक इंडिविजुअल पेज को सेव करते हैं और उसका डिस्प्ले कैसे लगता है तो उसको आपको देखना होगा। सो यहाँ पे क्लिक करना होगा मेल मार्स में, आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने से आप डिफरेंस लिस्ट जो इंडिविजुअल पेज यहाँ से डिस्प्ले ला सकते हैं। ऑल में क्लिक करने से जितना लिस्ट बनाया सबका यहाँ पे डिस्प्ले ला सकते हैं, और यहाँ से आप स्विच करके भी कितना पेज का चाहिए और कितना लिस्ट का चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करके उसका डिस्प्ले निकल सकते हैं। तो यहाँ देखा ये यहाँ पे क्लिक किया तो ऑल में क्लिक कर जितना लिस्ट बनाया था सबका एक इंडिविजुअल इन्विटेशन यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप डिफरेंस लिस्ट का डिफरेंस इंडिविजुअल पेज यहाँ पे डिस्प्ले ला सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे अभी इसको सेव करेंगे, इस तरह से आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो अच्छी लगे तो हिट लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो पार्ट टू, हाउ टू सेंड मेल मार्स एप्लीकेशन लेटर।